के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजों कलिया बह के रोंदे नैन नी माने जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लें और भी बहुत से काम हैं। ये क्या उलिया बनाया तुमने? क्यों? अच्छी नहीं लग रही? अजमीर और जोया की शादी तो कल है और तुम आज से तैयार हो गई हो, क्यों? रहने दें, आपको क्या पता। शादीशुदा औरतों को ऐसे ही तैयार रहना चाहिए, उनके हुलिये से ही उनके दुख सुख का पता चलता है। अब इस फजूल बात का क्या मतलब है? अरे भाई, शादी वाला घर है, लोगों का आना जाना है। अब अगर मैं इस तरह तैयार नहीं होंगी तो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। कोई दुख मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे यूं गोला गड्ढा बनने से लोग समझेंगे कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। और नहीं तो क्या? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? लैला बेगम, औरत अगर मर्द के साथ खुश हो ना तो उसको सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसकी खुशी उसके चेहरे से पता चल जाती है। रहने दें, सब समझती हूँ मैं। जब से जोया और अजमीर का रिश्ता तय हुआ आप तो मुझे जाहिली समझने लग गए। मेरी दादी कहती थी कि लड़कियों को सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए जिससे उन्हें उर्दू लिखनी पढ़नी आ जाए। ज्यादा पढ़ पढ़ के तो लड़कियों की रंगत मान पड़ जाती है। जोया को देखें, क्या हाल हो गया उसका। और वैसे भी ये बात याद रखें, मैट्रिक किया है मैंने, जाहिल नहीं हूं मैं। ये तो मान पड़ गया है, पॉलिश करानी पड़ेगी। अजमीर, अजमीर, माँ जी, माँ जी, आपने अजमीर को कहीं देखा है? मैं उसके कमरे में गई थी उसे नाश्ता देने, वो वहां पे नहीं था। नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं देखा। मेरे ख्याल से तुम्हारे अब्बा जी के साथ कहीं गया होगा। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपकी हेल्प कराऊं? बेटा, मैं जोया को बरी में चढ़ाने के लिए सेट निकाल रही थी, मगर देखो मुझे तो लगता है ये मान पड़ गया है, पॉलिश करानी पड़ेगी, है ना? जी, मान तो पड़ गया है लेकिन है काफी भारी। आप ये सेट जोया को देंगी? हाँ बेटा, ये अजमेर की नानी का सेट है, उन्होंने मुझे दिया था अजमेर की दुल्हन को देने के लिए। बहुत लाड करती थी अजमेर से। कितना संभाल के रखा है ना आपने इसे। पता नहीं सोया कदर भी करेगी कि नहीं। क्या मतलब? अम्मा जी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के तो नखरे ही बहुत होते हैं, उन्हें तो हर चीज नए जमाने की चाहिए। और अपनी जोया तो ठहरी डॉक्टर, पता नहीं वो ये सेट पहनेगी भी कि नहीं। मैं तो कहती हूँ रहने ही दें इस सेट को। अब देखिए ना, आप इतने चाव से उसे देंगी और अगर उसने ना पहना आपका तो दिल बुरा होगा ही ना। और वैसे भी शादी ब्याह वाला घर है, आपकी माँ की निशानी इधर उधर हो गई तो फिर। तो फिर मैं क्या करूँ, जोया को बरी में क्या चढ़ाऊँ? मैंने तो अजमेर की दुल्हन के लिए यही सेट रखा हुआ था बेटा।
ऐसा करें कि जब सोया रुखसत होके इस घर में आएगी ना, तो उसे कोई नया सेट ले दें, बल्कि यही सेट दे दें, लेकिन कम से कम आपकी नजरों के सामने तो रहेगा ना। फिलहाल जोया को कोई नकली सेट दे दें। ये देखे खाला, नगमा के लिए सोने का सेट और नायला के लिए सोने की झुमकियां हैं, और ये एक एक फैंसी सूट है। शाहनवाज और नेमत भाई के लिए भी एक एक सूट है, और लिफाफे में 3,000-3,000 रुपए। खालब, ये सब ठीक है ना? अरे ये सब बहुत अच्छा है। ये बताओ, नगमा ने तुम्हारी बेटी को बरी में क्या क्या दिया? अरे खाला, अभी बरी आई कहाँ है, वो तो शाम को आएगी। तुम ये सब बहुत अच्छा करे, बस दुआ करो कि वो भी तुम्हारी बेटी के हक में अच्छे हों। खालब, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसे नहीं कह रही, कुछ देखा है इसीलिए कह रही हूँ। नकली सेट बरी में? नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी, सारी बिरादरी में थू-थू हो जाएगी बेटा। अरे माँ जी, कैसे बदनामी होगी? आप सबको कह दें कि ये सेट सोने का है। अरे आप जोया की सगी चची हैं, कोई गैर थोड़ी कि वो लोग जांच पड़ताल कराते फिरेंगे कि बरी में आया सेट सोने का है या नकली। खरी की तो बात है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। आप मेरी बात पे गौर जरूर कीजिए। अस्मीर, हाजरत आई। हाजरत आई। अरे क्या हुआ नायला? आपने अस्मीर को देखे थे? नहीं बेटा, वो तो जोया जब से माइयों बैठी है, अस्मीर ने तो नीचे आना छोड़ दिया है। पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह, नाश्ता भी नहीं करके गया। यहीं कहीं होगा। हमारी होने वाली देवरानी कहाँ है? वो अपने कमरे में मेहंदी लगवा रही है। अच्छा अच्छा। हाजरा बीबी, आपने जो जोया बीबी के लिए बादाम और पिस्ते वाला दूध दिया था ना, मैं लेके गई थी, मगर उनका कमरा तो बंद है। अब मैं इस दूध का क्या करूं? अब इसे तुम मेरे सर पे मार दो। हाय ला बाजी, इसमें तो बादाम और पिस्ते हैं। सीमा, कभी कुछ अपनी अक्ल से भी कर लिया करो, हर बात तुम्हें समझानी पड़ती है। अरे इसे रख दो, बाद में दे देना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ इसे फ्रिज में रखो और किचन में आओ, इतने सारे काम पड़े हैं। अरे बेटा, तुम खुद ही अजमीर को ढूंढ लो ना, मैं जरा काम निपटवा लूं। ये बंद कमरे में कौन सी मेहंदी रचाई जा रही? देख क्या, मेहंदी नहीं लगाई तुमने? हाँ तो मैंने तुम्हें कहा तो था कि जब तक तुम नहीं लगाओगे मैं किसी से मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। कितनी जिद्दी हो तुम जोया, मुझे भला मेहंदी लगानी कहाँ से आ गई यार। अच्छा ना, अपना नाम ही लिख दो। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? पागल। लिखो ना। अरे रुक जाओ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो तुम? क्या हुआ? अपनी राइटिंग तो देखिए इंजीनियर साहब। इंजीनियर्स की राइटिंग ना डॉक्टर से बहुत बेहतर होती है। ये क्या किया? मिटा दिया। बुरा लग रहा था ना मेरा नाम तुम्हें अपनी हथेली पे? राइटिंग बुरी लग रही थी, तुम्हारा नाम नहीं। नाराज क्यों हो रही? तो दोबारा लिख देता। कोई जरूरत नहीं है, हाथ पे लिखे नाम कोई मजाक नहीं होते। कि एक बार लिख दिया, फिर मिटा दिया और फिर दोबारा लिख दिया। अरे इस तरह नाराज हो के मत जाओ जोया, आज माइयों है हमारा, थोड़ी देर रुक जाओ। छोड़ो मेरा हाथ, सब मुझे नीचे ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं होता जोया, तो मैं तुम्हारी जिद से परेशान हूँ यार, नाराज होके जा क्यों रही हो? जोया।
इजमीर एक बात याद रखना, तुम्हारा नाम मेरे हाथ से तो मिट सकता है लेकिन मेरे दिल से नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा ये पानी। जज़ाकअल्लाह। क्या बात है हाजरा, तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? नहीं अम्मा कोई बात नहीं है। अरे कुछ तो है, नगमा ने जरूर कोई बात की होगी। देखो बेटा, पहले तुम दोनों का रिश्ता जो था ना, वो देवरानी जेठानी का था, अब वो बन गई तुम्हारी बेटी की सास, तो वो नखरे दिखाएगी। हाजरा मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर था कि तुम जोया की शादी जुल्फी के बेटे से करा देती। अम्मा जुल्फी भाई का बेटा मैट्रिक पास है और मेरी बेटी डॉक्टर, इसीलिए मैं लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हूँ। क्या जरूरत थी जोया को इतने पढ़ाने दिखाने की, और अब उसके लिए जोड़ा भी ढूंढो उसके साथ का। अरे उसने अगर कम पढ़ा होता तो आज 10 लड़के खड़े होते खानदान के उसके लिए। सुन लो मेरी बात कान खोल के, ये जो दोनों मियां बीवी है ना, जो तुम्हारे पूछे बगैर पहले पानी नहीं पीते थे, अब वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। लिख लो मेरी बात। कहाँ चले गए थे आप? पीर साहब से निकाह का वक्त पता करने गया था। उन्होंने तो 15 दिन के लिए निकाह मुलतवी करने का कहा है, क्योंकि आजकल हमारे दिन ठीक नहीं जा रहे। लेकिन अजमीर नहीं माना, उसे शादी की बहुत जल्दी है। महरल कल मगरिब के बाद का वक्त दिया है। अरे हाँ रहमत भाई आपसे बात करना चाह रहे थे। क्यों? ये तो मुझे पता नहीं है, आप जाके पता कर लीजिए ना, कोई जरूरी बात होगी जाहिर है। ठीक है, अगर जरूरी बात होगी तो दोबारा आ जाएंगे। बहुत कर ली मैंने जी हुजूरी उनकी। कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप? कैसी अजीब बात कर रहा हूँ? सालों उनके आगे पीछे घूमा हूं मैं, इसलिए कि उम्र में बड़े थे मुझसे, लेकिन अब रुतबे में मैं उनसे बड़ा हूं, इसलिए उन्हें हमारी इज्जत और लिहाज करना होगा। इसलिए कि हम लड़के वाले हैं, जरा सोचो, पूरी बरादरी में उनकी डॉक्टर की बेटी का कोई भी हम पल्ला नहीं सिवाय हमारे इजमीर के। अगर हम जोया का रिश्ता न लेते तो कौन करता उनकी पढ़ी लिखी बेटी से शादी? ये तो हमारा एहसान है रहमत भाई पर। बात करनी होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, उनको आना होगा। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया उन लोगों ने हम पर? जोया को अजमीर से भी ज्यादा अच्छे लड़के मिल सकते थे, पढ़े लिखे ना सही लेकिन पैसे वालों की कमी नहीं है हमारे खानदान में। और अजमीर को अपनी हमपल्ला लड़की कहाँ मिलेगी? मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं आप? आखिर बात क्या है? अरे बात क्या है, आपका भाई पूरी बरादरी में कहता फिर रहा है कि उसने हमारी बेटी का रिश्ता अपने इंजीनियर बेटे के लिए लेकर हम पर एहसान किया है।
नेमत ऐसी बात कैसे कर सकता है? अगर अजमीर इंजीनियर है तो जोया भी तो डॉक्टर है और दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है खाला रशीदन के मुंह से सुनकर आ रही हूँ आपके भाई के इरशादात। सारी उम्र तो आपके कहने पर चलते रहे अब आप पर हुक्म चलाने के ख्वाब देख रहे हैं वो। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है अगर समझाना है तो जाके अपने भाई को समझाइए कि सोच समझकर बात किया करे। सोच समझकर बात लड़की वाले करते हैं। नेमत को समझाने से बेहतर है हम खुद को संभालें। रिश्ते बदलते हैं तो रवैये भी बदल जाते हैं। रवैयों को बदलता देख रही हूं मैं। पता है अजमीर कहते हैं कि अगर दुल्हन के हाथ में मेहंदी ज्यादा गहरी रची हो तो उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। What nonsense यार। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मैं सीरियस हूँ। जोया इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम इन स्टूपिड मिथ्स में बिलीव करती हो। इससे तो बेहतर था मैं खानदान की किसी मैट्रिक पास लड़की से शादी कर लेता। उसके मुंह से मुझे बात सुन के इतना अफसोस नहीं होता जितना तुम्हारे मुंह से सुनकर। तो कर लो ना अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं यार अब तो बहुत देर हो चुकी है तुमने मेरे दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया अब ये खाली जिस्म लेके मैं कहां जाऊं। मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी। तुम्हारा नाम तो अपनी हथेली पर लिखवा चुकी हूँ। हाँ बस तुम्हारी वजह से वो थोड़ा सा मिट गया है अब तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी ढूंढ लूंगा और अपने नाम को। अच्छा सुनो कल मैं तैयार होने के लिए पार्लर जाऊंगी बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। सुनो ये तुम मुझसे पूछ रही हो मुझे बता रही हो? मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ और अगर तुमने मना किया तो मैं धुले हुए मुंह के साथ भी रुखसत हो सकती हूँ और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर भी जाऊंगी। प्लीज यार ये जुल्म मत कर देना क्योंकि शादी की रात जिंदगी में एक ही बार आती है और इसी रात को शोहर अपनी बीवी को सजे संवरे खूबसूरत दिखने साथ वरना तो बेचारा शोहर सारी जिंदगी बीवी को देख देख के अपना खून ही जलाता है। जोया प्लीज अब इस बात पे नाराज मत हो जा यार कल जरूर जाओ पार्लर लेकिन मुझसे एक वादा करो दुल्हन बनने के बाद तुम अपना चेहरा सबसे छुपा के रखो। दुल्हन के रूप में सबसे पहले तुम्हारा चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। सोया तुम्हारा सेट कहाँ है पार्लर वाले सूट केस में रखना है। वो मैंने अम्मी को कह दिया लेकर आ रही हूँ। अरे मैं सदके जाऊँ मेरा बच्चा मैं सदके वारी जाऊँ अपने पुत्र तू हूँ मेरा बच्चा ठीक है ये मुझे बता दो जरा यार। जोया बेटा ये सेट पार्लर ले जाने की क्या जरूरत है वापस आके पहन लेना रास्ते में कहीं खुदा ना खास्ता डकैती होगी या किसी ने छीन लिया तो छीनने वाला भी पछताएगा। अरे ये सेट तो नकली है नकली। बेटा जरा बाहर जाके देखना तो काम ठीक हो रहा है कुछ रह तो नहीं गया। जी अम्मा क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैंने ये बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं किए। अरे मैं तो खोटे और खरे इंसान को एक नजर में पहचान जाती हूँ ये तो फिर सेट है। अरे ये नगमा और रहमत क्या समझते हैं कि हम लड़के वाले हो गए तो जो मर्जी आए हम करें। ठीक है अम्मा मैं अभी जाके उनकी गलत फहमी दूर करती हूँ। अम्मी अम्मी आप कहीं नहीं जाएंगी। क्यों क्यों नहीं जाऊंगी छोड़ो मेरा हाथ मैं भी जरा नगमा से जाके पूछूं कि उसने समझ क्या रखा है हमें। लड़की वाले इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हर बात बर्दाश्त करेंगे। दो मिनट में दिमाग ठिकाने लगा दूंगी उनका। अम्मी प्लीज अब ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। क्यों नहीं करेंगी जरूर करेंगी चल मैं तेरे साथ चलती हूँ चलो। अम्मा जी प्लीज आप तो बुजुर्ग है ना आपको तो अम्मी को समझाना चाहिए उल्टा आप उनको गुस्सा दिला रही है। अम्मी आप जानती है ना मुझे सोने और चांदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा जेवर तो मेरी तालीम है जो आपने सबसे लड़के मुझे दिलवाई है। प्लीज इतनी सी बात को इशू मत बनाएं प्लीज।
I know, ये इतनी सी बात है। अम्मा जी प्लीज आप चुप हो जाएं। No, हम इसके लिए तड़प रहे हैं और ये हमें चुप कराई जा रही है। जो चीज में आए पहन लो, जैसा भी है, छोटा है, खरा है, बुरा है, पहन लो हमारी बला से। कर सोया, अम्मी, अम्मी प्लीज, आज मेरी शादी है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बदमस्की हो। ये जमीन मेरी खातिर, प्लीज। ठीक है, फिर तुम मेरी एक बात मानोगी। बोले, तुम ये सेट नहीं पहनोगी, तुम हमारा सेट पहनोगी, ताकि उनको भी पता चले कि रहमत अली की अकलौती बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है। जो नकली सेट पहने अपनी शादी वाले दिन, ठीक है? शाहनवाज, जोया तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई है। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी दफा तो मुझे किसी ने इजाजत नहीं दी थी ब्यूटी पार्लर जाने की। उस वक्त तो अब्बा जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमारी बहू बेटियां तैयार होकर गली मोहल्लों से गुजरे और पराए मर्दों की उन पे नजर पड़े, ये तो हमारी गैरत को गवारा नहीं। आहिस्ता आवाज में तो बात करो, पता है कि सारे मेहमान घर में बैठे। क्यों आहिस्ता आवाज में बात करूं? हाय, कितना शौक था मुझे पार्लर जाने का। तुम्हारे अब्बा की वजह से ना मैंने अपने अरमानों का गला घोंट दिया, सारी शादी का मजा गिरगिरा करके रख दिया। तुमसे तो बात करना फजूल है। हाँ हाँ, मैं ही फजूल हूँ, सबको नजर आती हूँ फजूल, मुझे कोई भी बात ना करे। ऐसी क्या कयामत आ गई नाइला, जो इतना चीख चीख के बात कर रही हो तुम? घर मेहमानों से भरा पड़ा है। कयामत तो आपकी छोटी बहू लेके आई है इस घर में, ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई है। क्या कह रही हो तुम? कब गई, किसी ने उसको रोका क्यों नहीं? वही तो, मेरी दफा तो बड़ा हंगामा खड़ा किया था अब्बा जान ने। अब मैं भी देखती हूँ ना छोटी बहू को क्या कहते हैं, अभी बताती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या, क्या करने जा रही हो तुम? जानती नहीं तुम्हारे अब्बा का गुस्सा कितना तेज है? शादी का घर है, हंगामा खड़ा हो जाएगा। एक तो और क्या चाहिए, मैं भी तो देखूं कि जो गैरत मेरी दफा अपने उरूज पर थी, अपने बड़े भाई के डर से कहीं दुबक के सो तो नहीं गई। अपनी जबान को लगाम दो बहू। कौन से कलर के फ्लावर्स लगवाए? रेड रोजेस। क्या मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे अपनी रूम की डेकोरेशन के लिए सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स चाहिए? भाई आई लव रेड रोजेस, मुझे लगता है रेड रोजेस से कमरे में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वैसे रेड के बीच में कहीं कहीं व्हाइट जरूर, और मुझे सिर्फ व्हाइट ही पसंद है। देखो आज की रात तो मेरी मर्जी से गुजार लो, फिर कभी मैं तुम्हें व्हाइट रोजेस वाला कमरा बना के दे दूं। ये फिर कभी क्या होता है, ये मेरी पहली और आखिरी शादी है इसमें। जोया प्लीज यार जिद मत करो। मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं कुछ सुनूंगी, मुझे अपने कमरे में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स चाहिए, सुना तुमने? वरना मैं कमरे में नहीं आऊंगी। जोया ये तुम्हारी जिद मरवाएगी मुझे किसी भी, अब पूरा कमरा डेकोरेट हो चुका है यार। मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। व्हाइट फ्लावर्स, ओके बाय। हेलो हेलो, अजमीर, अजमीर अब्बा जी बुला रहे हैं, आओ। भाई जान आ रहा हूँ दो मिनट में। अरे अब्बा जी बहुत गुस्से में, जल्दी करो यार, आओ। मैं तो सीधी और सच्ची बात करती हूँ, अगर किसी इंसान को अपनी औकात से ज्यादा इज्जत मिल जाए, या तो वो शुक्रगुजार हो जाता है या फिर वो गरूर से बावला हो जाता है। ये नेमत और नगमा को तो ये इज्जत संभालनी नहीं आई। रहमत, मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, अच्छी तरह सोच लो भाई, जोया तुम्हारी अकलौती औलाद है। जोया इस घर की अकलौती बहू नहीं है, उसे अपने सारे नखरे छोड़कर इस घर के तौर तरीकों को अपनाना होगा। जिस तरह हमारी बड़ी बहू नायला करती है। मैं कहती हूँ ये कौन सा तरीका है,
के बहू को बरी में नकली जेवर चढ़ा दो। अरे शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद तो हमें खातिर में ही नहीं लाएगी। अजी जोया ऐसी नहीं है, आप तो उसे जानते हैं, आप ही का खून है वो। नेमत अली का तो खून ही सफेद हो गया है। अब बेटी देने का हरगिज ये मतलब नहीं है रहमत साहब कि उनकी अच्छी हरकतों पर भी हम चुप रहे। चुप क्यों, जवाब दो, किसकी जान से गई थी वो पालन? तुमसे पूछा था उसने? क्या कहा तुमने? जवान बच्ची पर उसकी शादी के दिन हाथ उठा रहे। अब्बा जी क्या हो गया आपको? ये सब उसने तुम्हारी शेह से किया है। और अगर आज उन्हें कुछ न कहा गया तो कल उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और मेरी बेटी ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करे? अब्बा जी इसमें जोया का कोई कसूर नहीं है, अगर मैं उसे मना करता तो वो हरगिज नहीं जाती। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप इतना गुस्सा हो जाएंगे। अपनी बेटी के लिए मैं नेमत और उसकी बीवी की हर गलती नजरअंदाज करने के लिए तैयार हूं। औलाद की मोहब्बत ही ऐसी होती है मां जी, लोग तो दुश्मन को गले लगा देते हैं। नेमत अली तो फिर भी मेरा भाई। वो मेरे भाई की बेटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी गलतियों को नजरअंदाज करता रहूं। जोया अली बिनती रहमत अली, आपका निकाह बएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त अजमीर वल नेमत अली के साथ पढ़ाया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आपको निकाह कबूल है? आपको ये निकाह कबूल है? मुबारक हो। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी। अरे जाके बस में रखवा दो, इधर आओ। नाइला एक बात मुझे सच सच बता, तुझे पहले से पता था ना सेठ के बारे में? क्या क्या कह रही है, क्या पता था? देख नाइला मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, अपने से ज्यादा तुझे दूसरों की खबर होती है, ये कैसे हो सकता है कि तुझे ना पता हो? क्या ना पता हो आचरा, मुझे भी तो बताएं। अरे यही कि जो बरी में सेट दिया है वो सोने का नहीं, वो नकली है। या अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? अब मेरे सामने नन्ही बनने की कोशिश ना कर। कसम ले ले हाजरा ताई, जो मुझे जरा भी पीने को, और फिर अम्मा जी को इस तरह करने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत बुरी बात है। अरे यही तो मैं सोच रही हूँ कि नगमा को क्या जरूरत है इतनी घटिया हरकत करने की, अरे शर्म नहीं आएगी उसे बच्ची को बरी में नकली सेट देने के लिए? मैं तो सोच रही थी कि मैं शायद बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए मुझे इतना दबाते हैं। सोया के साथ तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक तो वो डॉक्टर है, दूसरा जेठ की बेटी, मुझे क्या पता था, उसके नसीब में तो मुझसे भी बुरा सलूक लिखा है। क्या मतलब है तेरा? रहने दें। बताती है कि नहीं? आप किसी को बताएंगी तो नहीं? अरे नहीं बताऊंगी, बोल। वो दरअसल मेरे सास ससुर का मानना यह है कि जोया का ज्यादा पढ़ लिख के ना दिमाग खराब हो गया है, ऊपर से मैका भी इसी घर में है, तो जरा सी भी ढील दी तो सर पे सवार हो जाएगी, इसीलिए अजमीर को भी सिखा रहे थे कि क्या
कि जोया पे ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। शायद इसीलिए नकली सेट दे दिया होगा ताकि उसे उसकी औकात पता चल जाए। अच्छा ताई, मैं जाऊं? मैं भी देख लूंगी इन लोगों को। अरे भाई, हम तो अपनी देवरानी का चेहरा देखने आए हैं। मैं भी तो देखूं कैसी लग रही है जोया दुल्हन बनके। फिलहाल आप जोया का चेहरा नहीं देख सकती। क्यों? आई मीन, सबसे पहले जोया का चेहरा अजमीर भाई देखें। अरे हम कोई गैर थोड़ी है, जेठानी हूँ मैं तुम्हारी। सॉरी भाभी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने अजमीर से वादा किया है। कोई बात नहीं। सादिया, प्लीज जल्दी से बाहर जाके देखो ना, अजमीर आने वाला होगा। यार तुम दोनों पागल हो? हाँ है, थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? उफ़, तुम बस जाके देख लो ना, हॉल जाने से पहले हजार लोग मुझे देखेंगे। प्लीज जाओ ना, जाके देखो। अच्छा जाती हूँ। क्या है नायला, क्या क्यों लाई हो यहाँ मुझे? आपने देखा, जोया ने भरी वाला सेट नहीं पहना बल्कि जहेज वाला सेट पहना। हाँ देखा मैंने, वाकई में उसने हमारा वाला सेट नहीं पहना। मैं तो पहले ही कहती थी ना माँ जी कि जोया के बड़े नखरे हैं, अब आपने खुद देख लिया अपनी आंखों से। सारी जिंदगी माँ जेठानी बन के आप पे रोब जमाती रही, और अब बेटी, बेटी की नजर में भी आपकी कोई इज्जत नहीं। मैं कहती हूँ माँ जी, अगर आज आपने इस बात को जाने दिया ना, तो सारी जिंदगी आपकी नाफरमानी करती रहेगी। छोड़ो बेटा, वैसे भी हमने कौन सा असली सेट दिया है, नकली तो है, खामखा बदमजगी हो जाएगी बेटा। अरे माँ जी, कब तक आप अपनी जेठानी से यूं डरती रहेंगी? अब मैं आपको लड़ने का कौन सा कह रही हूँ, सिर्फ जोया पे ये जता दे कि आपको उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी है। इन माँ बेटियों को भी तो पता चलना चाहिए कि आप हर बात सिर्फ नोट नहीं करती हूँ, बल्कि सास होने के नाते सवाल करने का भी हक रखती हैं। वो दिन गए माँ जी, जब आप आज राधा इसे डरा करती थी। आगे आपकी मर्जी। हाँ नगमा, नायला बता रही थी कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम वहां नहीं कर सकती थी? जी वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जोया ने हमारा वाला सेट क्यों नहीं पहना, अपने जहेज का सेट क्यों पहना है? वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शर्म तो नहीं आती ऐसे सवाल पूछते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है, मुझे पूरा हक है ये बात जानने का। अब मैं सिर्फ आपकी देवरानी नहीं, जोया की सास भी। सास? हाँ। अम्मा ठीक ही कहती हैं कि इंसान को उसकी औकात से बढ़कर अगर इज्जत मिल जाए ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। क्या बात है रखना? क्या हो रहा है ये? हाँ ये आइए, आप ही की कमी रह गई थी। किस लहजे में बात कर रही हैं आप? उसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में आप जैसे छोटे लोगों से बात करनी चाहिए। तो सोच समझ के बात करें, मैं आपकी बेटी का ससुर हूँ। अरे भैया, गलती हो गई हमसे अपनी बेटी तुम जैसे लोगों को देकर। तो ये गलती सुधारी भी जा सकती है। घूंघट उठा भी दो,
किस बात का इंतजार कर रहे हो? कब से तुम्हारे चक्कर में ऐसी बैठी हुई हूँ मैं? क्या हुआ? पहले इजाजत लो। किस बात की इजाजत? घूंघट उठाने की। जोया, अजमीर भाई, बाहर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, जल्दी आइए। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजों कल्ले आ बैठे रोंदे।